अस्सलाम वालेकुम हबीब, 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई टीएमसी में रेरा अप्रूव्ड में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सैफी मंजिल में रहने वाले 58 टेनेंट को बिल्डर ने अभी तक उन्हें उनका घर बनाकर नहीं दिया है और कंस्ट्रक्शन साइट पर जो टेनेंट है इन लोगों ने मनपा का लेटर भी अब चिपका दिया है। आपको बता दें कि मुमरा खड़ी मशीन रोड पर कई सालों से अक्सा कंस्ट्रक्शन और सैफी मंजिल के टेनेंट के बीच में सैफी मंजिल डेवलप करने को लेकर विवाद हो रहा है। अक्सा कंस्ट्रक्शन ने 2014 में सैफी मंजिल को डेवलप करने के लिए लिया था, मगर पीछे की तरफ हुसैनी चौल है और बिल्डर का कहना था कि हुसैनी चौल को भी तोड़कर सैफी मंजिल में शामिल करके यहां पर बिल्डिंग बनाई जाएगी, मगर हुसैनी चौल के रहवासी इस पर राजी नहीं हुए। बिल्डर को उन्होंने नहीं दिया। टेनेंट ने बताया कि बिल्डरों ने उसके बाद मनपा को गलत जानकारी दी कि हुसैनी चाल को डेमोलाइज कर दिया गया है और मनपा ने इन्हें वर्क परमिशन दे दिया बिल्डिंग बनाने के लिए और काम भी थोड़ा बहुत चालू किया गया, मगर जब मनपा अधिकारियों ने यहां पहुंचकर सर्वे किया तो पता चला कि हुसैनी चौल सही सलामत है, यहां पर किसी भी तरह का डेमोलाइज नहीं किया गया है, जिसके बाद मनपा ने यहां पर वर्क स्टॉप नोटिस लगा दिया और इमारत बनने का काम जो है वो रोक दिया गया। तभी से अब तक 58 टेनेंट जो सैफी मंजिल के रहने वाले हैं वो दर दर भटक रहे हैं। बिल्डर से जो है कई बार यहाँ पर झड़प भी हो चुकी है कि उनका जो सैफी मंजिल है वो बनाकर डेवलप करके उन्हें उनका घर दिया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और कल जो है यहाँ पर सभी टेनेंट इकट्ठा हुए थे और इन लोगों ने मनपा का लेटर वहाँ पर चिपकाया और क्या कुछ कहा है इन्होंने, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूदा आसिफ शेख है जी। हमारे शोहर का इंतकाल हो चुका है 2015 में और 2013 में इन्होंने बिल्डिंग लिया था। हमारी सास का भी इंतकाल हो चुका है। मैं मेरी बहन के घर में रह रही हूँ आज कितने 10-11 साल है बताओ, 11 लग गया है। और 2015 में मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है, मेरा बच्चे का भी इंतकाल हो चुका है। मैं कहाँ जाऊँ, मेरी बहन के यहाँ कब तक रहूँ मैं? हाँ, आगे मेरे को कुछ नहीं बोलना है, अभी आप लोग समझदार है। बोलो हमारा क्या, बोलो हमारा घर दे दो और कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को, कुछ मांग रहे क्या उनसे? हम लोग भाड़ा भी नहीं दिए, कितने साल से भाड़ा बंद है, अभी बीच में एक भाड़ा मिला है हम लोग को, ये कोई बात होती है क्या? भाड़ा है आपको कितना? 3,000 रुपए दे रहे थे महीने का, 3,000 में कहीं घर मिलता है? आप भाड़ा कितना भरते हो? अरे मैं मेरी बहन के साथ रह रही हूँ, मेरे भाई पराए घर में, वो तो मजबूरी में रह रही हूँ, घर की बेघर हो चुकी हूँ, मेरे शौहर भी नहीं है, मैं किससे भीख मांगू जाके, किसको बोलू कि मेरे को भाड़ा दो, कोई मुझे भाड़ा देगा? मेरे कोई हर महीना भाड़ा देगा? कितने साल से आपको सिर्फ 3,000 रुपए मिल रहा है? 4 बार मिल चुका है और चार ही चौथी बार ही मिला, ये चौथी बार मिला है। 11 साल 4 बार। हाँ बताओ, अभी इसमें होता है क्या हमारा कुछ? एक जवान बच्ची को लेके पड़ी हूँ मेरे घर में, मेरे सास, मेरे ससरे और मेरे जेठ, वो लोग अलग रहते हैं, मैं जवान बहू, मेरी बच्ची को लेके मैं नहीं रह सकती उनके साथ, वो खुद बेचारे परेशान है। बताओ अभी क्या करूं मैं, आप लोग ही बताओ, आप लोग ही सब इंसाफ करो हम लोग का, ये सब लोग परेशान है, परेशान है। 6-6 माले पे हम लोग को जाना पड़ रहा है ताकि कम भाड़ा है, बार बार ऑफिस जाना होता नहीं कि हमको। मैं अकेले औरत का कहां जाऊं, मैं अकेले औरत का कहां जाऊं हम लोग बताओ ना, मेरे शौहर का सहारा है, मेरी बहनों का सहारा है, मेरी माँ का सहारा है, मैं मानती हूँ अल्लाह उनको अच्छा रखे, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? ये अपना घर तो चाहिए, परवेज शेख है ना, हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफी किया है, बस अल्लाह उससे समझे। जब जाएगा, जब हाँ अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तुमको मिल जाएगा। अपना घर तो चाहिए कि नहीं चाहिए, खाली आप लोग ये बोलो, आपके जरिए खुद का झोपड़ा भी रहेगा ना, खुद का झोपड़ा वो भी सर छुपाने के लिए चाहिए। हमारा तो अच्छा खासा घर था, पक्की बिल्डिंग थी, घरों में बैठे, फिर चलो जान लेने लिया, लेकिन भाई हमको हमारा घर दे दो प्लीज, हम हाथ जोड़ते सबसे, आप लोगों से हमारा घर दिला दो, बहुत मेहरबानी होगी, भाड़ा थोड़ा मत दो, साल से परेशान है, बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं आप, हम लोग ये बोल रहे हैं हम लोग।
भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुफियान नूर मोहम्मद है। आज सभी लोग आप लोग यहाँ पर जमा हुए सेंट मेरी स्कूल के पास, क्या पूरा मामला है? मामला तो ये है कि हम लोग जो ये आपके पीछे दिख रहा होगा ये कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, ये कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था और इसके ऊपर अभी वर्क स्टॉपर नोटिस लग गया है। ओके, आप ये मैं थोड़ा फ्लैशबैक से आपको बताना चाहूँगा कि आपके व्यूवर्स को भी समझ में आए और जो सैफी बिल्डिंग के जो और टेनेंट्स आदर है उनको भी समझ में आए कि ये क्या मामला चल रहा है। 2014 में अक्सा कंस्ट्रक्शन ऑनर बाय परवेश अकबर शेख इसको डेवलप के लिए सैफी बिल्डिंग दी गई थी। अब इसने क्या किया कि 2014 से 2022 तक कोई मूवमेंट नहीं लिया। अब 2022 में इसने प्लान के लिए सेंशन के लिए टीएमसी में अप्लाई किया। 2022 के सातवें महीने में 12 तारीख को इसका प्लान एक्टिवेट हुआ। ओके, एक्टिवेट होने के बाद इसने क्या बोला टीएमसी के अंदर क्या बात रखा कि हमारा हुसैनी चाल से कनेक्टेड है और हुसैनी चाल से हम लोग का कुछ डीएमओलाइज हो चुका है, बात हो चुकी है, मीटिंग हो चुका है, इस बात के ऊपर प्लान सेंशन हुआ। और उसके बाद तकरीबन 2023 चौथे महीने के अंदर टीएमसी की सर्वे आई और सर्वे में देखा गया कि हुसैनी चाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और उस बेस के ऊपर इस साइट के ऊपर वर्क स्टॉपर नोटिस लगा दिया गया। अब हम लोग ने जब 2014 में अक्सा कंस्ट्रक्शन वाले से जब एग्रीमेंट किए थे जब ही हम लोग को कुछ ऐसी बात नहीं बोले गई थी कि हम लोग को हुसैनी चाल लेंगे तो ही सैफी बिल्डिंग बनेंगी। हम लोग को बोला गया था कि सैफी बिल्डिंग का डेवलप हम लोग करेंगे हुसैनी चाल से, हमारा वो बात की बात है, वो देवे नहीं देवे वो अलग बात है। बट अभी ऐसा हो गया है कि हुसैनी चाल लेगा तो सैफी बनेगी, नहीं तो सैफी नहीं बनेगी। अब 11 साल से सैफी ऐसी जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में चल रही है, अब ये नहीं बनेगी तो 11 साल और निकालना है, क्या होना है, क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा है कुछ है ना। सामने से भी बिल्डर के तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब हम लोग को आता नहीं है कि भाई क्या करना है। कभी भी जावे तो बिल्डर के तरफ से यही बात होती है कि भाई हमारी हुसैनी चाल से बात चल रही है, मीटिंग चल रही है ये, बट हुसैनी चाल वाले लोग को कुछ लेना देना ही नहीं और उन लोग को तो देने का रहता तो उन लोग 2013 या 12 में ही दे देते थे। उन लोग को इससे कोई कंसल्ट ही नहीं है कि हमको देना है, वो बोलते हम लोग जो जगह पे है वो जगह पे सही है, कंफर्टेबल है, हम लोग को नहीं देना है। अब हुसैनी चाल भी आपको कैमरे के ऊपर इस चीज़ का खुलासा करवा देगी। तकरीबन 2014 में ये डैमेज हुआ, तकरीबन 7 साल हो गया है, 7 नहीं 10 साल हो गया, 10 साल हो गया तकरीबन जी, 10 साल होने आ गया है। तो आप लोग अभी कहाँ रह रहे हो और इसका रेंट वगैरह जो भर रहा है वो कौन भर रहा है? इसका रेंट वेंट भर रहा है सब हम लोग ही भर रहे हैं भाई, और कौन भरेगा? बिल्डर वगैरह कुछ नहीं? बिल्डर वगैरह दे रहा था एक टाइम तक, मतलब दे रहा था, उसके बाद तो उसने देना बंद कर दिया। कितने साल तक दिया उसने? 3-4 साल तक दिया है कुछ उसने पेमेंट, उसके बाद तो फिर बंद करवा दिया उसने, दिया ही नहीं पैसा। अच्छा अभी आप लोग की क्या मांग है? मांग यही है कि भाई नहीं होता है तो हम लोग सैफी का जो है ना सैफी का टेनेंसी प्लॉट लेके हम लोग ही अपना डेवलप कर लेते हैं, हम लोग ही अपना बना के ले लेते हैं। जब तुमसे नहीं बन रहा है तो हम लोग ही अपना बनवा लेवे ना, कम से कम हमारे को हमारा जो घर गया है हमको हमारा घर वापस तो मिल जावे। हम लोग कितने साल तक और इंतजार करें और कितने साल तक बैठे ये आस के ऊपर के अब बन रही तब बन रही है, और सैफी वाले काफ़ी परेशान है। और सैफी में है ना कोई ऐसी माली हालात से इतना पैसे वाला नहीं है कि भाड़ा एफोर्ड कर सके या कहीं दूसरा घर लेने के लिए एफोर्ड कर सके, इसमें इतना मतलब ये नहीं है, सब अपना चल रहा है, खा रहे पी रहे और चल रहे, गरीब लोग ही रहते। अब इतना परेशानी हो रही है तो कैसे चलेगा, मतलब उसका कुछ हल निकाले या तो फिर टेनेंट्स अपना ही प्लॉट लेके अपना डेवलप करके उसको ख़त्म करे जो टीएमसी से बातचीत करके जो भी है। अच्छा, टीएमसी अधिकारी से आपकी कुछ बातचीत वगैरह? जी हुई है टीएमसी अधिकारी से, टीएमसी के अधिकारी है मिलिंद पाटिल साहब, उनसे मेरी अक्सर बातचीत होती है। वो भी मेरे को यही बोलते हैं कि अब तक कोई मोमेंट हो नहीं रहा है अक्सा कंस्ट्रक्शन की तरफ से। ओके, अब कोई नहीं हो रहा है तो उनने हम लोग को बोले कि बोले ऐसा ऐसा प्रोसीजर है, तुम ऐसा ऐसा प्रोसीजर करो तो इसका कुछ ना कुछ हल निकल के आएगा। एक बात बोल रहा हूं, परवेज अकबर शेख ने तुम्हारे को कोई टाइम दिया था कि ये टाइम पीरियड में? 2 साल 9 महीने का टाइम दिया था 2014 में मार्च के महीने में जब हम लोग ने उसको हैंड ओवर किए थे तो उसने बोला था कि 9 महीना प्रोसीजर के लिए जाएगा और 2 साल तुम्हारे को हैंड ओवर करने के लिए जाएगा, पोजीशन लेने में जाएगा। तो 2 साल 9 महीना ने 3 साल पकड़ो और 10 साल निकल गया। ये जो बिल्डिंग जो है टीएमसी अप्रूव बनाने की वादे किए थे आपसे? जी जी, पहले से टीएमसी पेपर में भी एग्रीमेंट में भी टीएमसी अप्रूवल का ही लिखा हुआ है
और जब इसने ऑफिस उसने सीड ऑफिस डाला था उसके ऊपर भी टीएमसी ऑफिस इस बात का खुलासा किया था कि हुसैनी साथ में लेके बनाएगा। नहीं नहीं, हम लोग को एग्रीमेंट में आज तक मेंशन नहीं किया है कि हुसैनी चाल मिलेंगी तो मैं सैफी बनाऊँ डेवलप करूँगा, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हम लोग को जो एग्रीमेंट दिया है उसके अंदर खाली सैफी डेवलप के लिए ही बात किया है। लगा है कि वो सैफी को लेके ही कंस्ट्रक्शन कर सकता है। मालूम है, मालूम है, टीएमसी बना नहीं सकता है सैफी को लेके, नहीं उसे नहीं चाल को लेके, उसे नहीं चाल को लेके हो सकता है जगह कम पड़ी हो उसके टीएमसी अप्रूव नहीं कर रहे। अब उसको पहले सोचना चाहिए था वो चीज, बिल्डर को तोड़ने से पहले बात करना चाहिए था, पहले उसे नहीं चाल से बात करना चाहिए था कि भाई ये जगह के ऊपर होगा टीएमसी क्या नहीं होगा, अप्रूवल होगा नहीं होगा, तो वो सब पहले 2014 में ही कर लेना चाहिए था ना, वो डिसीजन ले लेना चाहिए था। अब वो आस्ते आस्ते साल दिन महीने चलते गए और अब तुम बोलेंगे कि भाई वो मिलेंगी तो होएगा, ये मिलेंगी तो होएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप ये मतलब हम लोग को तो जैसा हम लोग की बिल्डिंग है ना जो वो अटकेली है और उसका काम होगा नहीं होगा ये हम लोग का अभी तो समझ में आ गया कि अभी ये सैफी का काम मतलब आगे हर चीज से महरूम हो गए। और आप लोग